हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट क्वेश्चंस को लेकर डेली की तरह मैं आ गई हूँ। आज की सीरीज में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको बताना होगा कि चार ऑप्शन में से विषम कौन है, यानी चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सेम कैटेगरी के होंगे, एक आपका अलग होगा, उसको आपको छांटना है। एंड दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस क्वेश्चंस को देख करके पहचानने में आपको आसानी होगी। एंड 8 से 10 वीडियो अभी इसी तरह के रहेंगे, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट का, एक एक टॉपिक पर बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे यूपी TGT, UPLT ग्रेड, चाहे MP TET, MP मेन एग्जाम वर्ग 2, 3, जो भी अदर स्टेट TGT, PGT एंड बिहार का टेट, अभी जस्ट यह स्टेट निकला हुआ है, KVS, NVS, जो भी तैयारी करते होंगे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, तो मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी प्रकार के कॉन्टेंट थ्योरी सेशन डिटेल में एंड MCQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बेस्ट क्वेश्चंस, MCQ 100 से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं एंड वन लाइनर क्वेश्चन, सभी प्रकार की चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी एक एक सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट देखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों, डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ समय देते रहेंगे तभी आपका प्रिपरेशन बेस्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन आज के समय में इतना हाई है कि आप हल्के में लेंगे किसी चीज़ को तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। आपको डेली बेसिस पे, रेगुलरली बेसिस पे आपको कंसिस्टेंसी लगाना होगा। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ भी पाना संभव नहीं है, और लगातार आप करते रहेंगे तो जरूर संभव हो जाएगा। तो चलते हैं समानष्ट करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी अपना अपना स्कोर चेक कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारा चीज़, यदि मेरे चैनल के सभी वीडियोज देखे होंगे तो बहुत कुछ आपको आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी इन चारों ऑप्शन में से ऑड कौन है, यानी कि विषम कौन है। तो आपको देखना है, क है कैटरेक्ट, यानी कि कैटरेक्ट को हम मोतियाबिंद कहते हैं, एक होता है ग्लूकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस, ये तीनों की तीनों आपके आँख के विकार यानी आँख के रोग यानी डिजीज से रिलेटेड है, बट रेटिना जो है आँख के पर्दे को कहते हैं। रेटिना जो है आँख का पर्दा होता है, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, एंड इसलिए ऑड है यानी कि विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी इन चारों में से कौन ऑड है यानी विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है फीमर, ह्यूमरस, टिबिया एंड फिबुला। तो फीमर, फिबुला एंड टिबिया, ये तीनों के तीनों हैं हमारे पैर की हड्डियाँ, बट आपका ह्यूमरस जो है हमारे बाँह की हड्डी है, इसलिए यहाँ पे ये ऑड है यानी कि विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से कौन सा ऑड है यानी विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया है सीखने के, यानी कि प्रयास है त्रुटि सिद्धांत, पावलोव ने कंडीशनिंग थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, एंड मैक्स वर्दीमर जो है एक गेस्टाल्टवाद के पितामह कहे जाते हैं, जिसमें गेस्टाल्टवाद में अंतर्दृष्टि सूझ है एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। ये तीनों आपके किसी सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड हैं, बस गेस्टाल्ट आपका एक, इसका संबंध जर्मनी और ऑस्ट्रिया से है, ठीक है। और यह विलियम वुंड के सिद्धांतों का विरोध करते थे, गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्दीमर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन ऑड है, सबसे अलग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एली, रिंग, ये तीनों के तीनों आपके खेलों के मैदान के नाम है, बट स्केटिंग एक प्रकार का खेल है, इसलिए बाकी से अलग है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से कौन आपका विषम है। तो यहाँ पे आप जो बॉडी टाइप है, क्रिसमर, सेल्डन, हिपोक्रेटस, स्पेंजर आदि ने बांटा हुआ है, आपको इन चारों के याद होगा अच्छे से, एंड सिगमंड फ्रायड, तो आप आसानी से छाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोलेरिक, संगीवनी, मेलनकोलिक, ये तीनों के तीनों आपके दिए हैं क्रेस्मर ने,
तीनों के तीनों दिए हैं हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस यानी ने पर्सनालिटी को चार भागों में बांटा है, कफ प्रवृत्ति वाले यानी कोलेरिक, काले पित्त वाले यानी मेलनकोलिक, पित्त प्रकृति वाले यानी कि प्लैग्मेटिक, एंड अधिक रुधिर वाले यानी कि सैंग्यूनिक। तो इसमें से आपका कोलेरिक, सैंग्यूनिक, मेलनकोलिक इसको दिया हिप्पोक्रेटस ने, जबकि ऑप्शन नंबर ख जो एथलेटिक है इसको दिया है क्रेस्टमर ने। चार बॉडी टाइप बताए हैं, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक एंड डायस्प्लास्टिक। इन चारों के सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है आपके खेल मनोविज्ञान यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के सेशन में, उस प्लेलिस्ट को देखिए और सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है कौन सा अलग है। तो यहाँ पे 1 7 1 का मतलब है, जैसे कि सेल्डन ने आपको दिया था, सेल्डन ने सोमेटो टाइप स्केल दिया था जिसमें सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बताए हैं, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। यहाँ पे उन्होंने सोमेटो टाइप स्केल दिया था, तो एंडोमोर्फिक का स्केल होगा 7 1 1, यानी कि 7 का मतलब होता है ज़्यादा, 1 का मतलब होता है कम। तो 7 1 1 का मतलब होता है सबसे ज़्यादा एंडोमोर्फिक, यानी कि एंडोमोर्फिक, और 1 7 1 का मतलब होता है मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक का 1 1 7 होता है। तो 1 7 1 है यानी कि मेसोमोर्फिक यहाँ पे है। एथलेटिक टाइप भी मेसोमोर्फिक के अंतर्गत आएगा और मेसोमोर्फिक, ये तीनों के तीनों एक ही के प्रकार हैं, मेसोमोर्फिक से रिलेटेड है। बट पिकनिक जो होता है उसका शरीर मतलब होता है गोल का है, यानी कि एंडोमोर्फिक इसका मतलब होता है, इसलिए अलग है। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन सा ऑड है, कौन सा विषम है। तो यहाँ पे टाई, सडन डेथ, एक्स्ट्रा ट्रॉन्ग, ये तीनों के तीनों फुटबॉल से रिलेटेड है और ड्यूस आपका टेनिस से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे कुछ कंपनी के नाम दिए हुए हैं, SS, SG, MR, F, एंड GM। तो दोस्तों यहाँ पे जो GM है वह इंग्लैंड की कंपनी है और बाकी सब भारत की कंपनी है। ये सभी आपकी इंग्लैंड की कंपनी है, क्रिकेट बैट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन ऑड है, यहाँ पे आपको देखना है कौन ऑड है। ऑड है यहाँ पे स्पिन सर्विस, रिवर्स सर्विस, रोलिंग सर्विस, चुप सर्विस। तो यहाँ पे आपका ऑड है रोलिंग सर्विस, क्योंकि रोलिंग सर्विस का संबंध किसी भी खेल से नहीं है, बाकी का संबंध टेबल टेनिस खेल से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, दोस्तों यहाँ पे आप आसानी से इसको छाड़ सकते हैं। यहाँ पे उबेर कप बैडमिंटन महिला से संबंधित है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप इंग्लैंड से संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष से संबंधित है, यानी कि ये तीनों के तीनों बैडमिंटन से संबंधित हैं, बट पैन अमेरिका मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित है, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे पैलेस्ट्रा जो है एथेंस में व्यायामशाला को कहा जाता था पहले, उसके अलावा कोलेजियम एंथन फॉर बाथ ये रोम में होता था, कहाँ पे होता था, रोम से, एंड बेलेनिया, ये तीनों के तीनों आपके रोम से रिलेटेड हैं। थन फॉर बाथ, कोलेजियम, स्नानागृह ये आपका रोम से रिलेटेड है। एक होता है मॉड बाथ यानी किचन स्नान, वो एथेंस उत्तर एथेंस का से रिलेटेड है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन ऑड है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2020 में टोक्यो में जापान में हुआ था, राइट है, एंड 2000 सिडनी ओलंपिक में हुआ था सिडनी में, 2008 बीजिंग में हुआ था, उसके अलावा दोस्तों 2024 पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो यहाँ पे 2028 पेरिस दे दिया है, इसलिए यह गलत है।
क्योंकि 2008 जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा और पेरिस फ्रांस में 2024 में होगा, इसलिए यह गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है। तो दोस्तों जो हमारा ओलंपिक छल्ला होता है जिसमें 5 छल्ले होते हैं, वो छल्ले कैसे बने होते हैं, तो छल्ले होते हैं ऊपर 3 होता है, नीचे 2 होता है, इस तरीके से बने होते हैं, आपने देखा है स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पे जो होता है बाएं तरफ से आपका होता है नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ठीक है। तो यहाँ पे नीला, पीला, काला, हरा, लाल होता है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो आपका नीला एंड यहाँ पे नीला, पीला, काला, हरा एंड लाल, इस 5 से मैंने इंडिकेट कर दिया, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन कैसा है। तो यहाँ पे पूछा है कि लेफ्ट, लेफ्ट में ब्लू है, ठीक है। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ब्लू आपको दिख रहा है, ये ब्लू आपका लेफ्ट में दिख रहा है। एंड राइट में कौन है, रेड है, यहाँ पर राइट में रेड भी दिख रहा है, ठीक है, राइट में रेड है। एंड सेंटर में क्या है दोस्तों, सेंटर में ब्लैक है, सेंटर में क्या है, ब्लैक है, ये भी राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ जो दिया है सेंटर में ग्रीन, जबकि ग्रीन सेंटर में नहीं है, यहाँ पे नीचे है ग्रीन, इसलिए आपका घ ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। ये बाएं से दाएं की तरफ नीला, पीला, काला, हरा, लाल, इस 5 छल्ले 5 रंग के हैं, इसमें से नीला जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, पीला एशिया महाद्वीप का, काला अफ्रीका महाद्वीप का, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एंड लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीप के प्रतीक है जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू ओलंपिक फ्लैग, यानी कि ओलंपिक फ्लैग यानी कि झंडे के संबंध में कौन इसमें विषम है, ऑड है, यहाँ पे आपको देखना है। यानी कि यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन से 3-3 चार क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1920 फर्स्ट टाइम फ्लाउन, यानी कि 1920 में सबसे पहले ओलंपिक झंडा फहराया गया था एंटवर्प ओलंपिक में, ये राइट है आपका। एंड ओलंपिक झंडे को सबसे पहले बनाया था 1913 क्रिएटेड, यानी कि क्रिएट किया गया था ओलंपिक झंडे को, बनाया गया था 1913 में बैरन पियर डी कुबर्टिन के द्वारा। एंड 1914 ऑफिशियली अनाउंस्ड, यानी कि ऑफिशियल रूप से उसको अपनाया गया था 1914 में। इस प्रकार आपका तीनों आपका राइट है, क, ख एंड घ, बट ऑप्शन नंबर ग जो है वो राइट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन है कि फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा आपका ऑड है यानी कि विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है रेड यानी रोड, जैसे कि आंखों में 2 सेल होती हैं, रोड सेल और कौन सेल। रोड सेल अंधेरे या उजाले को बताता है, ठीक है, अंधेरे में, अंधेरे या उजाले के बारे में बताता है, तो ये आपका राइट है। एंड ग है आपका कौन, कौन सेल जो है कलर के बारे में बताता है, वस्तुओं के प्रकाश में उजाले में वस्तुओं के रंग को बताता है। घ है कंजक्टिवाइटिस, ए रेडिश इन कलर, यानी कि आँख लाल हो जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर क जो है स्क्लेरा जो है हमारे आँख, हमारे जो आँख होता है, आँख के बाहर से 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक कॉर्निया
एक स्क्लेरा जो भूरा भूरा कलर का होता है, गोलाकार ओकारिया होता है, उसके अलावा दोनों तरफ जो सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है वो स्क्लेरा होता है। तो स्क्लेरा ब्लैक यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए गलत है, क्योंकि स्क्लेरा वाइट होता है, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग विच वन इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू लेंस, यानी कि जो लेंस होता है आँखों का, जिसमें आँखों में विकार उत्पन्न होता है, दूरदृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, और दूरदृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसी के संबंध में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क है, कनकेव यानी कि अवतल होता है, फार मायोपिया, कनकेव फार मायोपिया, यानी कि कनकेव जो अवतल दर्पण होता है, लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, वो किसके लिए होता है? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए। मैंने इसका एक ट्रिक भी बताया हुआ था, अनी और उदू, इसका ट्रिक क्या बताया था? अनी और उदू, ठीक है, अनी उदू, अ से अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, और उदू से उसे उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष। ये आपका ट्रिक था हमेशा के लिए याद करने के लिए। तो यहाँ पे कनकेव फॉर मायोपिया, यानी कि मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, कनकेव मतलब अवतल लेंस होगा, राइट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर घ है, कॉन्वेक्स फॉर हाइपर मायोपिया, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हाइपर मायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए है, किसके लिए है? दूरदृष्टि दोष के लिए है, दूरदृष्टि दोष के लिए, तो ये भी राइट है। एंड ग है कॉन्केव प्लस कॉन्वेक्स फॉर मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, ये भी राइट है। बट आपका आंसर नंबर ख जो है, कॉन्वेक्स फॉर कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद के लिए, यह राइट नहीं है, आंसर नंबर ख यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे दोस्तों फीडे चेस यानी शतरंज से संबंधित है, फिना डाइविंग से संबंधित है, एंड फीटा आर्चरी यानी तीरंदाजी से रिलेटेड है। बट आपका यहाँ पे WWF ना होकर के, ऑप्शन नंबर को आपका रॉन्ग है, WWF ना होकर के IWF होना चाहिए था, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन होना चाहिए था, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन सा आपका ऑड है, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन ऑड है। तो मॉन्ट्रियल, स्विट्जरलैंड, कुवैत, ये तीनों में कोई ना कोई खेल संघ जरूर है, बट कैनबरा में कोई खेल संघ नहीं है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें आपका कौन सा ऑड है यानी कि विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट बता देते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग जो है वह विषम है, फनी ब्लैंकर्स, और सब सम है। कैसे है, यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है, फनी ब्लैंकर्स, फनी ब्लैंकर्स हॉलैंड की रहने वाली धाविका थी, जिसने 1948 लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक, 100, 200 मीटर, 800 मीटर, 80 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर रिले में जीते। एंड इन्हें द फ्लाइंग हाउस वाइफ नाम से, उपनाम से नवाजा गया, फनी ब्लैंकर्स को द फ्लाइंग हाउस वाइफ। अब बाकी के जो हैं अमेरिका देश के चर्चित धाविका हैं, सब धाविका हैं, बट फनी ब्लैंकर्स हॉलैंड की रहने वाली हैं, और सभी तीनों जो हैं वह अमेरिका देश की चर्चित धाविकाएँ हैं, जिसमें से आपका फ्लोरेंस ग्रिफिथ, कौन? फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर जो है वह, जिन्हें फ्लो जो के नाम से जाना जाता है, इनके नाम पर 100-200 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड है जो आज भी बरकरार है। एंड दूसरा है आपका विल्मा रुडॉल्फ, जो विल्मा रुडॉल्फ हैं, विल्मा रुडॉल्फ जो हैं उन्होंने 1960 रोम ओलंपिक में 100, 200 मीटर तथा 4x100 मीटर रिले में 16 पदक जीते थे। इन्होंने 100 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। एंड लास्ट है आपका घ, मैरियन जोन्स, मैरियन जोन्स जो है जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में 100, 200 मीटर
दौड़ व 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता तथा लंबी कूद में कांस्य पदक अर्जित किया था। एंड फिर 2003 और 2006 में मरियन जोन्स ने जोन्स के डोपिंग में लिप्त पाए जाने पर इनके ओलंपिक मेडल वापस ले लिए गए थे। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन आपका ऑड है। तो यहाँ पे इस शतरंज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी चेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपके क्वीन का नंबर 9, बिशप का 3, नाइट का 3 ये राइट है, बट रुक जो है रुक का अंक 5 होता है और सब सही है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू एज, यानी कि एज का गणना करने के लिए साइकोलॉजिकल भाषा में सारी शिक्षा में कैसे गणना किया जाता है। तो 4 प्रकार के हैं, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल। तो यहाँ पे आपका एनाटॉमिकल जो होता है बाई अस्थियों और दांतों से गणना किया जाता है एज का, तो बाई टीथ आपका ये राइट है। एंड क्रोनोलॉजिकल, जिसके वास्तविक आयु ज्ञात किया जाता है डेट एंड बर्थ, यानी जन्म वर्षों और महीनों में, जिसे हम मार्कशीट एज भी कहते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजों में रखा जाता है कि इतना इतना इसका जन्म है, तो दिनों महीनों वर्षों में गणना किया जाता है क्रोनोलॉजिकल एज, ये भी राइट है। घ, मेंटल एज, जो बाई साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा होता है, ये भी राइट है। बट यहाँ पे आपके फिजियोलॉजिकल एज का जो है बाई इसके पुला, ये राइट नहीं है। ये अस्थियों से ज्ञात नहीं किया जाता है। इसमें जो युवावस्था में बच्चों के हार्मोनल इम्बेलेंस होते हैं, चेंजेज होते हैं, उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, इसलिए गलत है, यानी विषम है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सा आपका विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे 100 मीटर ब्रेक लाइन राइट है, 400 मीटर फुल स्ट्रैगर दिया जाता है, ये भी राइट है। एंड 800 मीटर में हाफ स्ट्रैगर दिया जाता है, हाफ स्ट्रैगर से स्टार्ट किया जाता है, सही है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर क जो है 500 मीटर ब्रेक लाइन दिया हुआ है, उसके स्थान पर ब्रेक पॉइंट आना चाहिए था, उसके अलावा सब सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से ऑड कौन है। तो यहाँ पे आपका एंटेरियर, पोस्टेरियर, मेडियल, ये तीनों के तीनों आपके एनाटॉमिकल पोजीशन है। एंटेरियर मतलब आगे, पोस्टेरियर मतलब पीछे, मेडियल मतलब केंद्र की ओर, जबकि डेल्टॉइड एक मसल्स का नाम है, इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है। तो दोस्तों डोडिनम, जेजुनम, इलियम, ये छोटी आंत के तीन भाग होते हैं एंड तीनों नाम है, जबकि कोलन जो है बड़ी आंत का भाग है, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर क है, CO2 वायुमंडल में 0.04%, नाइट्रोजन 78%, O2 यानी ऑक्सीजन 20 या 21% पाया जाता है। तो ये तीनों की तो राइट है। जब हम अंतर श्वसन इंस्पायरेशन करते हैं तो ये आपका डाटा सही है। एंड एक्सपायरेशन के समय में सब बदल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर निकलता है, नाइट्रोजन पूरा का पूरा बिना उपयोग हुए निकल जाता है 78% का 78%, एंड जो O2 होता है 20-21% जाता है और 16% बाहर आ जाता है। यहाँ से अलग कौन है, ऑप्शन नंबर ग, CO+H2O 1.3, ये आपका गलत है एंड बाकी सब सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन यहाँ पे चारों में से अलग है। तो स्विमिंग यानी तैराकी, एंड आपका डाइविंग, सिंक्रोनाइज स्विमिंग भी, डाइविंग एंड सिंक्रोनाइज स्विमिंग ये भी तरणताल में होता है, और वाटर पोलो भी होता है, ठीक है, स्विमिंग पूल में होता है। बट आपका जो ओपन वाटर होता है ये स्विमिंग पूल में नहीं होता, बल्कि ये झील में होती है, ठीक है, इसलिए अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, यहाँ पे कौन सा अलग है। यहाँ पे दोस्तों ईडीजी आपका गलत है, ईडीजी गलत है। कैसे गलत है,
ईडीजी गलत है क्योंकि बाकी सभी उपकरण है किसी न किसी चीज को मापने के लिए। तो कौन किसका उपकरण है? ऑप्शन नंबर क है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हृदय की क्रियात्मक क्षमता को मापता है, ठीक है। एंड दोस्तों ईओजी, ईओजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राम, जो आंखों की क्रियात्मक क्षमता को मापता है। एंड एक है आपका ईएमजी, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमायोग्राम, जो मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता को मापता है, ठीक है। तो इसलिए आप अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे आपको देखना है कि 4 kg आपका होता है गोला फेंक, यानी कि 60 फुट हुए महिलाओं का वजन, ठीक है, 60 फुट महिलाओं का वजन। 1 kg होता है आपका डिस्कस, यानी कि तस्तरी फेंक का महिलाओं का वजन, जो कि पुरुषों के लिए 2 kg होता है। एंड गोला फेंक में पुरुषों के लिए 7.26 kg होता है। तो एंड 600 ग्राम आपका महिला भाला का वजन होता है। तो ये तीनों के तीनों महिला इस बाधा से संबंधित है, जबकि 800 मीटर पुरुष बाधा और पुरुष जेवलिन थ्रो का जेवलिन का वजन होता है, इसलिए यह अलग है और सभी महिलाओं से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है कौन सा अलग है। तो यहाँ पे कैनोइंग, रेफनिंग, रोइंग, ये तीनों के तीनों रिलेटेड है नौकायन से, जबकि स्क्यूबा जो है वो रिलेटेड है गोताखोरी से। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है कि रोनाल्डो, एडसन एरांतेस, रोनाल्डो एडसन एरांतेस डू नॉसिमेंटो, जो पहले का पूरा नाम है फुटबॉल के महान खिलाड़ी, एंड माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल खिलाड़ी है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सभी अपने अपने खेल के प्रसिद्ध सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो भी है, बट यहाँ पे सबसे बेस्ट फुटबॉल में रखा जाता है पहले को, तो एडिसन एरांतेस डो नासिमेंटो पहले फुटबॉल के बेस्ट खिलाड़ी, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के, मेजर ध्यानचंद हॉकी के, इसलिए रोनाल्डो आपका अलग हो जाएंगे। ये भी हैं फुटबॉल से ही, बट सर्वश्रेष्ठ आपका पहले ही है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन आपका अलग है? तो यहाँ पे अलग है दोस्तों 1964 जो टोक्यो जापान में ओलंपिक हुआ था, जो पहली बार एशिया की धरती पर आयोजित हुआ था, और बाकी सब यूरोप में आयोजित हुए हैं। 1960 रोम में हुआ था, 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में हुआ था, 1968 मैक्सिको सिटी कनाडा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन है आपका ऑड? जैसे कि यहाँ पे टिबिया, दोनों पैर दोनों में एक एक टिबिया होता है हड्डी, तो दो हुआ राइट है। मेटाकार्पल जो है 5-5 होता है एक एक में, तो 10 हो गया। एंड फिबुला जो है एक एक दोनों में होता है, 2 हो गया राइट है। बट यहाँ पे फ्लैंजियस यानी जो अंगुलियाँ होती हैं 14-14 होती हैं, 2-2 पैर की बात कर रहा था, यहाँ 28 होना चाहिए था, इसलिए गलत है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन इसमें से अलग है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों हिट्स अलग है, क्या है? हिट्स आपका अलग है। उसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस, टाई और लेट, ये सब टाई होने के बाद ही होता है, टाई से रिलेटेड है, इसलिए अलग है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा आपका अलग है? तो बाई सीडिंग, सुपर सीडिंग, ये तीनों का संबंध फिक्सचर बनाने के लिए है कि टीम जो है अंतिम तक जोड़ने में बने रहे, उसके लिए बाई सीडिंग सुपर सीडिंग दिया जाता है। बट वॉक ओवर आपका अलग है, यह इन सबसे अलग है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे रिसाइडिंग, सेंट्रल लाइन कट, अर्ली गेटअप, ये तीनों के तीनों रिलेटेड है खो खो खेल से, जबकि टाइम आउट जो है वह अलग है, एक फाउल है, एक खो खो खेल से संबंधित नहीं है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन आपका अलग है? तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल, ब्रांचीज, ये तीनों के तीनों श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जबकि आइसोफेगस जो है वो ग्रास नली होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है यानी कि पाचन तंत्र से, इसलिए अलग है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन यहाँ पे अलग है? तो दोस्तों यहाँ पे ब्लड डोपिंग, ऑक्सीजन कैरियर एक्सपेंडर्स, एरिथ्रोपोएटिन, एंड ये तीनों के तीनों जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने से रिलेटेड हैं, जिससे सहनशीलता डेवलप होती है। ये सभी की से विचारों ऑप्शन डोपिंग से रिलेटेड है, जिसमें से ब्लड डोपिंग, ऑक्सीजन कैरियर एक्सपेंडर्स, एरिथ्रोपोएटिन, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ा देती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है और जिससे सहनशीलता बढ़ती है। जबकि बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे अलग है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स में क्या होता है कि हमारे शरीर का कंपन रुक जाता है एंड जो हमारी रक्तदाब, हृदय धड़कन वो कम हो जाता है, एंड जिससे ये एकाग्रता वाले खेलों जैसे कि तीरंदाजी एंड निशानेबाजी में ज़्यादा प्रयोग होता है। इन दोनों खेलों में ये वाडा की तरफ से प्रतिबंधित है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन आपका अलग है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन अलग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरल फॉर्म, टेस्ट रीड टेस्ट मेथड, स्प्लिट हॉफ मेथड, ये तीनों के तीनों जो हैं परीक्षण मापन मूल्यांकन में मैंने बताया हुआ है, किसी भी टेस्ट के लिए बेस्ट टेस्ट के लिए पांच चीज़ें होना आवश्यक है, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड, ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। पर यहाँ पे पैरल फॉर्म, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, स्प्लिट हॉफ मेथड, ये तीनों की तीनों रिलेटेड हैं रिलेबिलिटी से, जबकि स्टेयर केस मेथड आपका चैलेंज किसे, स्टेयर केस मेथड किसे, लीग टूर्नामेंट यानी कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन अलग है? तो यहाँ पे अलग कौन सा दोस्तों, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पोर्टियल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सभी ब्लड सर्कुलेशन के प्रकार हैं, जबकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वह सर्कुलेशन के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन अलग है? तो आपको देखना है कि इसमें अलग कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थियोडोर सीमन जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिए थे, एंड बीनट भी, सीमन और बीनट, बीनट ने सबसे पहले, बीने ने, अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिए थे सीमन और बीनट मिलके। उसके बाद आईक्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुणे सौ, ये आईक्यू का सूत्र दिया था सबसे पहले टर्मन ने, यानी कि सीमन, बीनेट एंड टर्मन तीनों का संबंध है इंटेलिजेंस टेस्ट से। बट यहाँ पे आसन नंबर का यूगेन टॉयलर, इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन आपका अलग है? तो दोस्तों यहाँ पे मैट बर्न, सिंडर बर्न, एवरेजन, तो एवरेजन को ही मैट बर्न, सिंडर बर्न एंड एस्टाबेरी आदि नामों से जाना जाता है, इसी के उपनाम है एवरेजन के, बट यहाँ पे लैक्रेशन आपका अलग है। नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है? तो दोस्तों एक्यूट, पोस्ट एक्यूट, क्रोनिक, यह खेलों की अवधि के आधार पर तीन प्रकार के चोटें होती हैं। एक्यूट इंजरी जो ताजी होती से चोटें होती हैं जो 0 से 12 घंटे तक की होती हैं, एंड पोस्ट एक्यूट जो होती है एक्यूट चोटों की अवधि से ज़्यादा यानी 12 से 48 घंटे तक की चोटें होती हैं, एंड क्रोनिक चोटें जो है पुरानी व गंभीर चोटें होती हैं जो 48 घंटे से ज़्यादा की चोटें होती हैं। यह इसका इलाज अल्ट्रावायलेट और रक्त किरणों के माध्यम से होता है। तो ये तीनों आपके चोटों के प्रकार हैं, जबकि सॉफ्ट टिश्यू यह
एक अलग प्रकार है, इसलिए अलग है। नेक्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन अलग है? तो यहाँ पे दोस्तों अलग कौन है, 1980, 1948, 1964, इन तीनों में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, बट 1908 में नहीं जीता था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, जिसमें भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक पहले ओलंपिक में जीता, पहली बार भाग लिया तो आधिकारिक रूप से। और उसके बाद अभी तक हॉकी में भारत ने 12 पदक कुल जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज और, चारों में से अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे अलग कौन है चारों में से, तो यहाँ पे उत्तोलक से यानी कि लीवर से संबंधित क्वेश्चन है। तो नेल कटर, प्लियर यानी कि चिमटा, सीजर्स यानी कैची, ये तीनों के तीनों रिलेटेड हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, यानी कि प्रथम श्रेणी में जो फलक्रम होता है वह रेसिस्टेंस एंड फोर्स यानी कि बल और भार के बीच में होता है। तो यह तीनों प्रथम प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है, बट नट कटर जो है वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, इसलिए यह अलग है। द्वितीय प्रकार में भार जो है एक्सिस एंड फोर्स के बीच में होता है, और तृतीय प्रकार के लीवर में फोर्स आपका एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के बीच में होता है, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन अलग है? तो देखो तो अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कौन अलग है। यहाँ पे सार्कोमियर जो होता है मांसपेशी की, यह सार्कोमियर जो है मांसपेशी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, एंड नेफ्रॉन जो है वह गुर्दे यानी किडनी की रचनात्मक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, और एल्वेलाई जो है फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जबकि माइक्रॉन जो है यह आपका अलग है। माइक्रॉन क्या है? यह मांसपेशी की लंबाई मापने की एक इकाई है माइक्रॉन। नेक्स्ट दोस्तों फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन ऑड है आप बता सकते हैं? लिम्फोसाइट्स, थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फ, ये तीनों जो है आपके इम्यून सिस्टम से संबंधित हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है तीनों के तीनों, बट पैंक्रियाज आपका इन सब से अलग है, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय इससे अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से अलग है आपका ऑप्शन नंबर ख, 5.1 5 फीट 1 इंच, जो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, जो बैडमिंटन में किनारे जो और नेट लगा होता है वहाँ पे ऊंचाई होती है, जबकि बीच में 5 फीट ऊंचाई होती है। उसके अलावा ये सभी ऑप्शन आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड है, जिसमें से आपका 10×10 मीटर 10×10 सेंटीमीटर का जो होता है, जो नेट की चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई 10×10 का होता है, एंड 2.43 मीटर होता है नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए, और जबकि महिलाओं के लिए 2.23 मीटर होता है, एंड यहाँ पे 1.80 मीटर आपका होता है बैडमिंटन में जो एंटीना होता है उसकी लंबाई, जिसमें से 1 मीटर नेट में होता है और 80 सेंटीमीटर ऊपर होता है नेट से ऊपर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन सा आपका राइट है, कौन सा अलग है? तो दोस्तों यहाँ पे 10 पॉइंट आपका अलग है, उसके अलावा आपका जो 25 पॉइंट है वह वॉलीबॉल से संबंधित है, एंड 25 पॉइंट का एक एक ये होता है, एंड 21 पॉइंट आपका बैडमिंटन से संबंधित है, और 11 पॉइंट आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग विषम कौन है? तो यहाँ पे आपको देखना है
की डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी, इन सभी के सभी आपके फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। बट इसमें से जो डूरंड कप है वह अंतर डूरंड कप जो है वह अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी है, जबकि अन्य राष्ट्रीय ट्रॉफी है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा आपका अलग है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सोलेशन, ओलंपिक सिस्टम, बैगनर वाइल्ड, ये सभी आपके नॉकआउट टूर्नामेंट के प्रकार हैं। बट पिरामिड टाइप आपका चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार है, इस प्रकार ये अलग है। चैलेंज टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है, लैडर टाइप एंड पिरामिड टाइप। पिरामिड टाइप भी दो प्रकार का होता है, किंग्स टूर्नामेंट एंड कॉब वेव टूर्नामेंट, जिसे स्पाइरल वेव विधि भी कहते हैं। टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में आपको सभी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में बेहतरीन तरीके से जानना है तो टूर्नामेंट वाले प्लेलिस्ट में जाइए, और सभी टूर्नामेंट जो चार प्रकार के टूर्नामेंट हैं, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज, इन चारों के बारे में डिटेल में जानिए। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ, जिसमें से एक एक क्वेश्चन से तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, और इस प्रकार आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप डेली बेसिस से बने रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा वो भी कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।